हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक राज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आई हुई वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो लोग बीएड या डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया सूचना है कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया है अबाउट ये वैकेंसी के बारे में। तो आपको मैं बता दूं कि ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 2018 है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा दिनांक 16/9/2018 रविवार को कक्षा 1 से कक्षा 7 तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए प्राप्त अभ्यर्थी हेतु 11वां केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन किया जाएगा। अभ्यर्थी सीटी सितंबर 2018 की परीक्षा के लिए CTET वेबसाइट पर केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां हैं, परीक्षा की तिथि है जो 16/9/2018 रविवार को है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुति 22/6/2018 शुक्रवार शुरू होगा जो 19/7/2018 गुरुवार तक चलेगा। ऑनलाइन भरने की आवेदन की अंतिम तिथि है 19/7/2018 से रात्रि 17 बजे तक, शाम के रात के 3 बजे तक। डेबिट क्रेडिट कार्ड अथवा ई चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया जाएगा जो 21/7 शनिवार से अपराह्न 3 बजे तक होगा। उम्मीदवारों को अंतिम तिथि, जिन उम्मीदवारों की फीस प्राप्ति हो गई है, विवरण एवं स्थिति जांचने के लिए 27/7/2018 है और ब्यौरा ऑनलाइन में जो त्रुटि रह गया, जो गलतियाँ की उसको सुधारने के लिए 26/7 से लेकर 31/7 तक आपको मौका मिलेगा। और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए 20/7/2018 समय दिया गया है। दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और जहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, फॉर्म 22/6 से मतलब 22 जून से शुरू होगा। जो परीक्षा होगा वो पेपर 2 और पेपर 1 में होगा। पेपर 2 16/9 को होगा जिसमें 9:30 से लेकर 12 बजे तक का है। इसमें 2.5 घंटे को टाइम मिलेगा। और उसी दिन दूसरा पेपर होगा पेपर 1 जो 14 बजे से लेकर 16:30 बजे तक 2.5 घंटे का होगा। इसमें जो दिया हुआ कहाँ नियुक्ति होगी आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि CTET केंद्रीय सरकार के विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय तिब्बती स्कूल तथा संघ राज्य क्षेत्र के चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादर नगर हवेली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विद्यालयों में लागू होगा। ये गैर सहायता तथा प्राइवेट विद्यालय जो CTET के विकल्प पर विचार करना चाहते हैं वे भी इसे लागू कर सकते हैं। स्थानीय सरकार जो इसके स्वामित्व के विद्यालय में अगर इससे सहायता प्रदान करना चाहता है या इसके थ्रू वैकेंसी लेना चाहता है तो ये CBSE उसको अलाउ करेगा। इसमें आपको क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए आपकी भर्ती ली जा रही है। और इससे अधिक जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर चेक कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है जो बीएड किए हुए हैं, डीएलएड हैं उनके लिए। तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए, आप एक शिक्षक बनने के लिए आपके पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका दोस्त कोई हो सकता है बीएड और डीएलएड किया है, उनको ये जानकारी मिल जाए। तो तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए।